दिस इज कौशल कुमार और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉरेन में गाड़ी कैसे चलाया जाता है और इंडिया की कंपेयर में फॉरेन में क्या डिफरेंसेस है गाड़ी चलाने के लिए, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्योंकि देखिए हर कंट्री का एक अपना रूल्स और रेगुलेशंस होता है और फॉरेन के रोड्स कैसे होते हैं और गाड़ी किस साइड से होती है। जैसे अपने इंडिया में हम लोग राइट साइड चलाते हैं और फॉरेन में लेफ्ट साइड, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में लेफ्ट साइड चलते हैं। तो देखिए जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरी नई गाड़ी है, ऑडी है, ये मैंने अभी नई नई ली है और अभी मैं आज इसकी ड्राइविंग करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि रूल्स रेगुलेशंस कैसे होते हैं और चलते हैं। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में कैसे पैसा दिखती है। जैसे आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी है ऑडी, आप देख रहे हैं अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये मेरी गाड़ी है ऑडी और मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ आप लोग जैसा देख सकते हैं। और ये देखिए ये मेरी नई गाड़ी है और आप इसको देखिए। आपको एक चीज बताऊं कि सबसे अच्छी बात चाइना में गाड़ी में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज की गाड़ियां कितनी सेफ होती है। इस गाड़ी का फीचर ये है कि इसमें 6 एयर बैग्स है। दूसरी बात, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तब तक ये गाड़ी आगे तक नहीं हिलेगी, ये इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी और अब हम आगे रोड के लिए जाएंगे। देखिए ये वार्निंग जो बेल बज रहा है, ये बेल जो बज रहा है ये आपको गाड़ी की वार्निंग साइन है। और क्योंकि मेरी गाड़ी सीट बेल्ट लगा लिया और ये डोर मेरा लॉक नहीं हुआ था तो अभी हम इसको डोर को लॉक करेंगे। डोर लॉक हो गया है, अब थोड़ा सा सीट को एडजस्ट करेंगे हम लोग। गाड़ी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, आप जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है। गाड़ी को देखिए कि काफी कंफर्टेबल गाड़ी है, चलाने का अलग ही अंदाज है। और अभी हम लोग जो ये गाड़ी चलाएंगे आपको दिखाएंगे कि रूल्स रेगुलेशंस कैसे होते हैं। अब जैसे कि गाड़ी हमारी फुल्ली ऑटोमेटेड है, यहाँ पे जीपीएस सिस्टम है, आप जैसा कि देख सकते हैं ये भी एक स्क्रीन है, यहाँ भी एक जीपीएस सिस्टम है और काफी अच्छी गाड़ी है, काफी शानदार गाड़ी है। और अभी अब हम गाड़ी को चलाएंगे और चलिए देखिए हम आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन बताएंगे और आप आगे रोड पे देखिए। हम जब अभी गाड़ी चला रहे हैं अब आप देखिए कि जो हमारी गाड़ी चल रही है, देखिए आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं अभी जो गाड़ी चला रहा हूं और ये साइड में देखिए ये सारे जो रोड पे गाड़ी लगी हुई है ये पार्किंग है। पर आप इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं कि जैसे ये पार्किंग क्यों लगी हुई है, आप देखिए वहां पे एक लाइन सा लगा रहता है, लाइन बनी हुई है और उसमें लोग पार्किंग करते हैं क्योंकि हर चीज बड़ा अरेंजमेंट है, बीच में रोड है, काफी चौड़ी रोड है। आपको जैसे देखने में लग रहा होगा ये मेन रोड नहीं है, ये एक गली की रोड है, इधर आप दोनों साइड में अपार्टमेंट्स हैं, आप देखिए उधर उधर भी अपार्टमेंट्स हैं और इधर भी अपार्टमेंट्स हैं। तो ये कॉलोनी, जैसे हम लोग की इंडिया में कॉलोनी होती है वैसा कह सकते हैं आप कि कॉलोनी टाइप का हो गया। अभी हम आपको मेन रोड पे जब ले जाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि कैसा है ये। अभी ये देखिए कॉलोनी की रोडें कितनी चौड़ी होती है, आप जैसे देख सकते हैं इतना तो हमारे इंडिया में हाईवे होता है। तो ये इसे अब्रॉड में एक ये बड़ा अच्छा फीचर है, गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है और गाड़ी भी बड़ी कंफर्टेबल होती है इन कंपेयर टू इंडियन कार। और जैसे कि ये मत आप देखिएगा कि जैसे कि मैं ऑडी चला रहा था इंडिया में भी ऑडी कंफर्टेबल होती, नहीं, यहाँ की लोकल्स ब्रांड भी अगर आप लेते हैं वो भी बहुत ज्यादा काफी कंफर्टेबल है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ की लोकल गाड़ी भी चलाऊंगा और उसकी भी फीचर्स आपको दिखाऊंगा। और अभी देखिए चाइना में स्प्रिंग फेस्टिवल का टाइम है और ये काफी सजावट है रोडों पे, ये लांटेन्स लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, लोगों ने अगल बगल साइड में पार्किंग कर रखी है क्योंकि इधर अगल बगल ये देखिए इस साइड में खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, इधर भी खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं। और अभी हम लोग सीधे हाईवे पे चलेंगे, हाईवे नहीं कह सकते आप उसको, वो रोड है, ये तो नॉर्मल गली के रोड है, इसमें कुछ नहीं होते पर फिर भी आप इसमें देखिए कि रोड कितनी काफी अच्छी बनी हुई है। तो आई होप कि इंडिया में भी इस टाइप की रोड्स बननी चाहिए और हमारा देश आगे जाएगा इस चीज़ों को लेके, क्योंकि जब गली के रोड्स इतने अच्छे होते हैं तो हाईवे में कितने फीचर्स होंगे ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखिए जैसा कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ और बड़ा कंफर्टेबली आप लोगों से भी वीडियो पे बातें कर रहा हूँ, तो ये बड़ा एक कंफर्टेबल जोन है। इंडिया में तो आदमी गाड़ी चलाता है तो उसको दोनों तरफ नजर देखनी पड़ती है कि यार इधर से कोई नहीं निकल जाए या उधर से कोई नहीं निकल जाए। यह एक अच्छा सिस्टम है, सिस्टम ये है कि आप गाड़ी बड़ा कंफर्टेबली चला रहे हैं, आपसे मैं बातें भी कर रहा हूँ, वीडियो भी बन रहा है गाड़ी में और बड़ा कंफर्टेबली, मतलब उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि इधर कोई भी जाएगा तो इस रोड पे जाएगा या उस रोड पे जाएगा, ऐसा सिस्टम होता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि काफी डेवलप जगह है तो यहाँ कुछ बोलना नहीं पड़ेगा आपको, काफी बहुत ही ज्यादा डेवलप है अपने में।
और आप देखिए रोड कितनी भी छोटी है या कैसी भी है तो इशू नहीं करता है, आप जैसा कि देख सकते हैं। अभी मैं आपको चाइना में जो फॉरेन कंट्रीज होता है, मतलब फॉरेन कंट्रीज का गाड़ी चलाना और इंडिया की गाड़ी चलाने में, जो आदमी इंडिया में चला सकता है वो कहीं भी चला सकता है, बट बकायदा आपको यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने पड़ेंगे। जैसे क्या होता है कि अभी अभी हमारे देश में अभी लागू हुआ है कि लाइसेंस लिया जाए और उसके लिए पढ़ना पड़ता है, बट यहाँ पे जो लाइसेंस लेने के मायने होते हैं, लाइसेंस लेने के मायने रियल में होते हैं, आपको यहाँ के सारे लॉज आने चाहिए, यहाँ के रोड्स का मतलब कैसा है, किस में क्या कहने का, सिंबल का मतलब क्या है। अभी आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अभी यू टर्न लेंगे, मेरे आगे एक BMW भी चल रही है, वो भी राइट साइड में टर्न ले रही है और हम लोग भी राइट साइड में लेंगे, और काफ़ी लंबी जर्नी है, और इस लंबी जर्नी में मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको बस इस रोड का एक गाइड मैप तैयार करके बताऊँगा। अभी जैसे मैंने यूवी टर्न ले लिया है और अब हम मेन रोड पे आ गए हैं। अब देखिए आप जैसे कि हम मेन रोड पे आ चुके हैं, अब हम इस मेन रोड पे चलेंगे। अब आप ये देखिए हम जो मेन रोड पे चल रहे हैं तो यहाँ गाड़ी कैसे चलती है, कितनी कंफर्टेबली, ये आप एक पहले देखिए वो लेंस देखिए, ये रोड की लेंस देखिए, दो पार्टीशन में ये लेंस बनी हुई है, ये दो पार्टीशन में लेंस बनी हुई है, आप जैसा कि देख सकते हैं। आप ये देखिए लेन्स का मतलब है कि आपको इस लेन में चलना है, उस लेन में चलना है, और ये डिवाइडिंग लेन है, और आगे देखिए आगे रोड्स पे लिखे हुए हैं जाने के लिए कि आगे कौन सा रोड है कौन सा रोड नहीं है, और आप ये सब देख सकते हैं। और देखिए एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ये लेंस कभी एकदम स्ट्रेट है और बीच बीच में कट ऑफ भी है, बीच बीच में कट ऑफ भी है, इसका मतलब है कि आप जो कट ऑफ में ही आप लेन चेंज कर सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन में आप कभी रोड चेंज नहीं कर सकते हैं। और अब देखिए अब हम जो सीधा जा रहे हैं, एक लेन है दोनों साइड में, गाड़ी काफी चली है, और उस साइड से आने वालों के लिए है, जाने वालों के लिए भी, मुझे लगता है ये कम से कम 60-70 फुट का एक रोड होगा। और आप देखिए ऊपर में भी देखिए वो सब क्या लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर में भी ये रोड्स के सिंबल्स लगे हुए हैं, कौन सी रोड कहाँ पे है, कैसे है, किस टर्न पे है, कितने मीटर पे आपको किस साइड जाना है। और ये देखिए पेडेस्ट्रियन के लिए एक ऊपर से ओवरब्रिज भी बना हुआ है, पेडेस्ट्रियन के लिए एक ओवरब्रिज भी बना हुआ है, और काफी अच्छा है सिस्टम। और यहाँ देखिए इस रोड पे जो वन वे साइड हम लोग जा रहे हैं, तीन लेन बनी हुई है, तीन लेन में गाड़ियां चल रही हैं, तीन लेन पे गाड़ियां चल रही हैं, और हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पे कैमरे लगे हुए हैं। आप जैसा कि वहां देख सकते हैं सामने में मेरे वीडियो पे अगर आपको दिख रहा होगा तो कैमरा लगा हुआ है, और ये कैमरे जो है ड्राइविंग के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने वालों के देखते हैं। आप ऊपर देखिए ये ऊपर में कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे जो है फोटो खींचते हैं लोगों के, और गाड़ी का नंबर कि आप जो गाड़ी चला ले वो लीगल है कि नहीं, उसके बाद रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और गाड़ी अभी अपने नॉर्मल स्पीड में हम चला रहे हैं, ज्यादा स्पीड नहीं, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि स्पीड में गाड़ी आप चलाएंगे तो वीडियो नहीं बन पाएगा सही से। और भाइयों देखिए ये सब फीचर्स इंडिया में आ जाए तो गाड़ी बहुत सेफ्टी होगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे, क्योंकि जब रूल्स रेगुलेशन लोग पढ़ेंगे, लाइसेंस लेंगे, गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि तब गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है, कन्वीनियंट होता है फॉरेन में गाड़ी चलाना, और जो आदमी जब फॉरेन में रहता है वो गाड़ी चलाता है उसको इंडिया में बड़ी डिफिकल्टी होती है, मैं समझ सकता हूं इन चीजों को। और आप देखिए यहाँ पे पासेस कैसे रोड के ऊपर नीचे पासेस बने हुए हैं, लाइंस बने हुए हैं, 3 लाइंस डिवाइडेड है, आप लाइन चेंज कर सकते हैं, आगे कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज की अरेंजमेंट बहुत अच्छे से है, आप जैसा देखिए सब कुछ है, आप जैसा देख सकते हैं कि काफी अच्छा है। आप जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी का जो ये है वीडियो बनाए और आपको यहाँ के ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बता रहा था मैं, आप जैसा कि देख सकते हैं रोड पे गाड़ियाँ उधर में आप देख रहे होंगे कि उधर आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड में लेफ्ट टर्न है, और काफी उधर ग्रीन लाइट्स रेड सिग्नल से ऊपर में देखिए आप हाईवे देख सकते हैं, आप जैसा कि ऊपर में ओवरब्रिज है, ये गाड़ियां यहाँ ट्रैफिक से, और आप यहाँ देखिए रोड पे जो एरोज बने हुए हैं इनका एक मतलब होता है, आपने देखा होगा कि स्ट्रेट एरोज है और एक एरोज लेफ्ट टर्न राइट टर्न करके है, तो ये एरोज फॉलो करना बड़ा काम है चाइना में रूल्स रेगुलेशन। और ऊपर देखिए वो हर रेड लाइट के ऊपर से कैमरे लगे हुए होते हैं और स्पीड मीटर्स लगे होते हैं, और कैमरे उसके हर, ऐसा नहीं कि आपको रेड लाइट के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, आगे 10 मिनट के बाद भी कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए कि आप कहीं ऐसा ना हो कि रेड लाइट पे आपने रोक के रूल्स फॉलो किया उसके बाद आपने रूल्स तोड़ दिया, तो ऐसा है यहाँ पे कि रूल्स बहुत टाइट है। और रोड्स आप देखिए वन वे साइड के रोड्स भी काफी चौड़े होते हैं और ये नॉर्मल रोड है, और देखिए अभी वर्किंग टाइम है तो रश ज्यादा है, और साइड्स में अब ये अपार्टमेंट्स वगैरह है
और काफी देखिए, मतलब मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि जो अब्रॉड्स में फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में रोड्स काफी चौड़े होते हैं और काफी चौड़ी होती है। ये अगर चौड़ी सड़क हमें इंडिया में मिल जाए तो लोग इस पे हवाई जहाज उड़ाने लगते हैं। जैसे कि आपने यमुना एक्सप्रेस में देखा होगा कि लोगों ने उस पे एक्सपेरिमेंट भी कर डाला। तो पर यहाँ ये नॉर्मल बातें हैं, यहाँ के लिए ये नॉर्मल बातें हैं, ये काफी नॉर्मल बातें हैं। और हर एक देखिए, ये दो पीली लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस साइड से जो गाड़ियां आती हैं और आप इस साइड से गाड़ी जाती है, यहाँ पे ब्रेकर्स नहीं बनाए जाते हैं दोनों साइड को डिवाइड करने के लिए। उन लाइन्स पे ही काफी कंट्रोल है इनका, आप जैसा कि देख सकते हैं, देखिए लाइन्स पे ही काफी कंट्रोल। आप अगर उस लाइन को क्रॉस कर गए तो आपको फाइन मिनिमम 1000 रुपए का लग जाएगा। आपने रूल्स तोड़ा, आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। और आपको पता है कि अगर आपके पॉइंट्स कट गए तो काफी नुकसान होता है, क्योंकि लाइसेंस में 12 पॉइंट्स ही होते हैं और एक छोटी सी मिस्टेक के लिए 3 पॉइंट चला जाता है। और मिस्टेक आप लाइन्स, इसलिए आपको जब यहाँ पे लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए इन सब लाइन्स की, किसका क्या मतलब है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, ये टर्न किस साइड है और इससे मतलब क्या होता है। और यहाँ कैमरे पे आपके बहुत ज़्यादा नज़र होनी चाहिए कैमरे, क्योंकि आप देखिए यहाँ गाड़ी चलाते वक्त में बहुत सारे चीज़ बैंड है। आप जैसा कि देख सकते हैं सब अपने लाइन्स में जा रहा है, सब अपने लाइन्स में ही है। और आपको लाइन्स बदलने के लिए इंडिकेटर देना पड़ता है और हर एक लाइन का एक अपना मीनिंग है, उनको आपको समझने के लिए आपको यह पढ़ना पड़ता है, लाइसेंस क्लियर करना होता है, तब जाके आप गाड़ी चला सकते हैं। तो अच्छा सिस्टम है। और दूसरा एक अच्छा सिस्टम यहाँ पे क्या लगा कि ऑन योर लाइसेंस प्लेट योर कार के नंबर्स कैन बी गेट रजिस्टर्ड, मतलब आपके पास लाइसेंस है तभी आप गाड़ी खरीद सकते हैं। और कोई दूसरा आदमी अगर आपके अपने लाइसेंस को गाड़ी खरीद के देगा और आप मिस्टेक करेंगे तो बेचारे को जेल हो जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। और काफ़ी वेदर थोड़ा सा आज ख़राब है, ठंड का मौसम भी है और बहुत फॉगी टाइप का वेदर लग रहा है। और आप देख ही सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। और देखिए अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि मैं आगे चल के आपको अब्रॉड और इंडिया की कंपेयर कर चुकूँ और काफ़ी चीज़ें बता पाऊँ। तो बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कौशल कुमार, ये अगल बगल में ये देखिए जगुआर, मतलब गाड़ी तो मतलब फॉरेन में नॉर्मल बात है, हमें तो देखने के लिए नहीं मिलती इंडिया में ये सब गाड़ियाँ। बहुत रेयर प्लेस है, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और काफ़ी अभी हम आउट ऑफ द सिटी घूम रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बना सकूँ। और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि मैं आगे आपको विदेश की बारे में, अब्रॉड कंट्रीज के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में अच्छी जानकारी दे सकूँ कि अगर कोई इंडियंस यहाँ आना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उनको पहले से नॉलेज हो।